सुप्रीम कोर्ट में सीए कानून के खिलाफ कुल 236 पीआईएल फाइल हुई है। एक मेरी पीआईएल है जो सीए के सपोर्ट में है, तो टोटल 237 पीआईएल है। जो पिटिशनर है उनकी मांग थी कि सिटीजनशिप को स्टे किया जाए, जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम केंद्र सरकार को मौका देंगे। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की डेट फिक्स किया है। हम लोगों का ये कहना है कि ये जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है, इससे किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है। भारत के लोगों को कोई सिटीजनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीए कानून केवल और केवल सिटीजनशिप देने वाला कानून है, फिर इस पे स्टे नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों का सीए से कोई लेना देना नहीं। इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज है उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। इसलिए जो इनकी मांग है कि नहीं, जो सीए का रूल है उसको स्टे कर दिया जाए, सीए कानून को स्टे कर दिया जाए, ये बिल्कुल मानने लायक योग नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई अब इस पे 9 अप्रैल को होगी। सर, जैसे आपने 237 पिटीशन पड़ी थी, कितनी सपोर्ट में थी सीए के और कितने अपोज कर रही थी? टोटल सीए के मामले में 237 पीआईएल है, 236 पीआईएल सीए के अपोज में है, सीए के खिलाफ है। एक मेरी याचिका है जो सीए के सपोर्ट में है, तो इस तरीके से टोटल 237 याचिकाएं हैं। अच्छा, तो क्या आर्ग्यूमेंट थे जो अपोज कर रहे थे उनके? उन लोगों का कहना है कि इसमें जो भेदभाव किया गया है, इसलिए मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को ही केवल माइनॉरिटी, केवल सिटीजनशिप दी जा रही है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हम लोगों का ये कहना है कि वहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जिनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ है, उनको नागरिकता दी जा रही है। और ये कोई बहुत बड़े नहीं है, 40,000 की संख्या में है। 40,000 लोगों को नागरिकता देने से कोई भारत की डेमोग्राफी नहीं बदलने वाली है, और अगर उनको भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी तो फिर उनको नागरिकता कौन देगा?